अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पाकीज़ा किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, खट्टी, मीठी, थोड़ी सी तीखी सी ये कैरी का अचार, जो कि बहुत ही फटाफट से बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने ये 5 कैरी लिया है और इसे अच्छी तरह से वॉश किया। इसे हम कट करने के बाद वॉश नहीं करेंगे और इसे अच्छी तरह से सुखा कर रख देंगे। अब हमें इसकी स्किन को उतार लेना है। सारी कैरी की स्किन को हमने निकाल लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार कैरी का अचार तैयार होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ सारे हमने छिलकों को उतार लिया है और अब इसके हम पीसेस कर लेंगे। यहाँ मैंने रफली इस तरह से पीसेस कट कर लिया है, आप अपने हिसाब से कट करें। और जो ये गुठलियाँ हैं इसे मैंने रहने दिया, ये सख्त वाली गुठलियाँ हैं तो इसे हम रहन देंगे। इसे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और जो सॉफ्ट गुठली होती है उसे हम निकाल लेंगे। इस तरह हमने काट के यहाँ पे तैयार किया है। अब कुछ मसाले चाहिए हमें। इस चम्मच के हिसाब से मैंने मसाले लिया है और ये 1.5 चम्मच जीरा है, 2 चम्मच हमने सौंफ के लिए हैं और 10 से 12 काली मिर्च है, 3 छोटे चम्मच हमने धनिया के लिए हैं और 1/2 चम्मच अजवाइन, और ये 6 से 7 लाल मिर्च है। आप अगर तीखी वाली हो तो 2 से 3 ही ले। अब यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है और चूल्हे को ऑन किया है। अब इसमें सबसे पहले हम मिर्चों को रोस्ट कर लेंगे। थोड़ी सी खुशबू आने लगे तो हमें इसे निकाल लेना है। अब इसमें बाकी जो ये मसाले हैं, ज़ीरा, धनिया, सौंफ और काली मिर्च, अजवाइन, ये सारे मसालों को हमें भून लेना है। थोड़ी सी खुशबू आने लगे और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए उस वक्त हम इसे निकाल लेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। अब उसी पैन में मैं ये 3 बड़े चम्मच राई का तेल डाल देंगे और इसे गरम कर लेंगे। जब तक तेल गरम हो रहा है हम मसालों को इसमें डालकर मोटा मोटा सा क्रश पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें पाउडर फॉर्म में इसे नहीं पीसना है और इसकी मिर्चों को इस तरह तोड़ के डालेंगे तो ये आसानी से पीस जाएगी। अब यहाँ पे तेल देखिए कलर चेंज हो चुका है, गरम हो चुका अच्छी तरह से। हम इसमें 1/2 चम्मच कलौंजी का डाल देंगे और थोड़ा सा इसे हम भून लेंगे। अब इसमें ये कैरियाँ हम डाल देंगे और इसे डाल के हम मिक्स करेंगे कि अच्छी तरह से भून जाए। और ये थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर डालेंगे, बिल्कुल ज़रा सा, 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और मिक्स करते रहना है। फिर इसे हम कवर कर देंगे ताकि हमारी कैरी सॉफ्ट हो जाए। चलिए चेक कर लेते हैं 3 से 4 मिनट के बाद, और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे और ये थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। इस वक्त हम इसमें ये 2 लहसुन के जौ हैं, इसे हम इस तरह ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है लहसुन से। और ये 1/2 किलो गुड़ है, इसे मैंने ग्रेट करके रख लिया है, इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो शक्कर भी ले सकते हो गुड़ के बजाय। और इसे हमें कंटिन्यू मिक्स करते रहना है जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए, और अच्छी तरह से हमें मिक्स करते रहना है, वरना हमारे नीचे से तलवे में
गुड़ लग सकते हैं जो टेस्ट हमारा ख़राब कर देंगे, इसलिए हमें मिक्स करते रहना। ये मेल्ट हो चुका है, अब इसमें मैं ये आधा चम्मच नमक डाल दूंगी। और यहाँ पर जो हमने मसाले देखे, इस तरह दरदरा सा हमें पीसना है। जब ये मसाले हमारे अचार में मिक्स हो जाते हैं तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, और इसे मिक्स कर लेना है और इसे हम एक दिन के बाद अगर खाएंगे तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। सारा फ्लेवर इसमें आ जाता है और ये मसाले तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसे मैं कवर कर दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए कि हमारी सॉफ्ट हो जाए कैरियाँ। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए ये गाढ़ी सी हो रही है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अभी से हमारे मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही टेस्टी है। तो इसे मैं फिर कवर कर दूंगी कम से 3 मिनट के लिए, और हमें कवर करना है। चेक कर लेते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। यहाँ मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और ये मज़ेदार सी खट्टी मीठी ये कैरी का झटपट बनने वाला अचार बिल्कुल रेडी है। आप लोग इसे बनाकर इसे 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक ऐसे ही रहने दीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही मज़ेदार है। और इसे अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओगे 2 से 3 किलो तक के, तो इसमें 1 से 2 बड़ा चम्मच वाइट वेनेगर के डाल दोगे तो ये सालों भर इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगे। और कभी भी इस्तेमाल करने से पहले हमें चम्मच साफ़ सुथरा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। और जिस जार में हम रख रहे हैं वो जार को वॉश करके अच्छी तरह से धूप में 1 घंटे तक के लिए सुखा लेंगे तो कोई भी अचार इंशाल्लाह हमारा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो चलिए देर ना करते हुए आप भी इसे बनाइए और इस खट्टे मीठे स्पाइसी कैरी के अचार का मज़ा लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर के साथ इसे खूब सारा शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।